फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सभी को। और ये है मेरे पास दो बैंगल्स जिसको मैंने उनके साथ इसको कवर अप कर लिया है, और ये बहुत ही इस समय अच्छा यूज़ करने वाली हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए इसका मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ, इन दो बैंगल्स का। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये छोटा सा ट्रिक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी कि आप प्लीज़ मुझे आप में से बताइएगा कि मेरे कितने सब्सक्राइबर जो हैं दिल्ली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैं 1 वीक के लिए जा रही हूँ न्यू दिल्ली और नोएडा, क्योंकि वहाँ पे मेरी फ्रेंड्स रहते हैं और हम उनके साथ रीयूनियन करने वाले हैं, और काफ़ी सालों बाद हम एक दूसरे से मिलने वाले हैं, और जिसको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतनी ज़्यादा कि मैं आपसे बता नहीं सकती। और शायद आपको मेरे चेहरे पे वो खुशी नज़र आ रही होगी कि एक बचपन के दोस्त जो कि हम लोअर के जी से साथ में पढ़े हैं, तो मतलब अभी तक हम साथ में हैं और काफ़ी सालों बाद हम लोग मिलने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मिलने को लेकर के। और कौन कैसा रिएक्ट करेगा वो टाइम, वो सबका फेस एक्सप्रेशन भी देखना है मुझे कि मिलने के बाद, इतने सालों बाद मिलने के बाद कैसा लगता है और क्या फीलिंग होती है, वो तो हमें क्या बताऊँ, मुझे मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। और मेरे पास ना वर्ड्स बहुत ही कम पड़ जाते हैं, अगर मुझे कुछ एक्सप्लेन करना हो तो बहुत लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, मैं किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। बस आप मेरे चेहरे को देख करके आप जान सकते हैं कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे मेरे बचपन के दोस्तों से मिलने की। तो अगर आप में से कोई है जो दिल्ली से बिलोंग करता है, नोएडा से बिलोंग करता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 1 वीक के लिए हूँ मैं वहाँ, और हम वृंदावन भी जाने वाले हैं, हमारा प्लान वृंदावन का भी है, क्योंकि जब दिल्ली का प्रोग्राम बना था तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया था कि वृंदावन तो जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वहाँ जाएंगे और बाकायदा हम अच्छे से तैयार वैर होकर के जाएंगे जैसे राधा रानी रहती हैं। तो उस चीज़ को भी लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मन में, और काफ़ी अच्छा फर्स्ट टाइम हम जाएंगे, अगर मथुरा जाएंगे तो फर्स्ट टाइम जाएंगे, उसके पहले मैं कभी नहीं गई, तो उस चीज़ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो आज के ब्लॉग में बस इतनी ही बातें शेयर करनी थी आपसे, ये चीज़ें बतानी थी कि मैं दिल्ली में आ रही हूँ, और अगर आप में से कोई है मेरा सब्सक्राइबर जो दिल्ली हो या नोएडा से या फिर ग्रेटर नोएडा या फिर गाज़ियाबाद से बिलोंग करता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से बात करके। और हो सकेगा तो मैं वहाँ पर लाइव भी आऊँ अपने दोस्तों के साथ अगर टाइम मिला तो, क्योंकि हम बहुत सालों बाद मिल रहे हैं, तो हम सिर्फ गॉसिप ही करने वाले हैं और बहुत मस्ती करने वाले, फुल मस्ती करने वाले हैं, और हमारी खुशियों में आप भी शामिल ज़रूर होइएगा। तो ब्लॉग बस इतना ही, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। बाय, मिलूँगी आपसे नोएडा, दिल्ली या फिर ग्रेटर नोएडा। ओके, बाय।